जी नमस्कार, मैं राजन राही सच की रफ्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों देखिए, अक्सर हम राजनीतिक लोगों से मिलते हैं और राजनीतिक मुद्दों पर बात भी करते हैं, लेकिन यहाँ जो सामने निकल के आ रही है, एक बात निकल के ये आ रही है, वो विधायक साहब जो चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, लेकिन हारने के बावजूद भी लोगों से जनसभाएं करते हैं, कोरोना काल में लोगों की मदद करी, 2 से 3 हज़ार लोगों का खाना बना, वो भी निजी सामूहिक विवाह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, किसी की भी मदद हो अपने क्षेत्र में गांधीनगर में तो करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्तियों की हमारे भारतवर्ष में, खास हमारे भारतवर्ष में, वो भी राजनीति में बहुत ज़रूरत है। अब ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी करवाई और मिलवाई गई। जैसे कि अभी हमने कुछ लोगों से बात की, उनका कहना है कि नवीन चौधरी जी किसी परिचय के मुताज नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता वो हारे या जीते, लेकिन जो संस्कार उनको मिले मानवता के लिए और सेवा के लिए वो करते रहेंगे और जारी रहेंगे। आइए इन्हीं मुद्दों पे आज के खास मेहमान से मुलाकात करते हैं। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार सर, वैसे तो जनता आपको बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपना पूरा परिचय एक बार बताएं। मैं सीलमपुर, मेरा गाँव है पुराना सीलमपुर, बिल्कुल आपका शाहरा में पड़ता है पुराना, और आज डिस्ट्रिक्ट जो कृष्णनगर बन गया है, पहले कभी शाहरा में हुआ करता था, पूरा ऐतिहासिक गांव है, कभी सलीमगढ़ हुआ करता था, ये मुगलों के टाइम का गांव है, मेरी पैदाइश वहीं की है। मेरे फादर चौधरी बलराज सिंह, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन की और फिर LLB की डॉक्टर कैल्पी से। मेरे ग्रैंड फादर चौधरी नंबरदार नारायण सिंह, जिन्होंने यहाँ की जमींदारी थी गांधीनगर में, और मेरे ग्रैंड फादर चौधरी रामलाल जी थे जो यहाँ के जमींदार थे। मेरी तीन पुस्ते हैं जो पॉलिटिक्स में रहे, मेरे ग्रैंड फादर भी 1942 में यहाँ से मेट्रो काउंसलर रहे, और मेरे फादर भी दो इलेक्शन लड़ चुके हैं 1962 में और 1993 में, और मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ कि कहीं कभी तो जीत हाथ लगेगी। अच्छा सर, अभी मेरा बात की कि चुनाव जिस वक्त आप हारे, उसके हारने के बाद तुरंत आप जनता के बीच में गए और लोगों से मिले और कई लोगों की आपने मदद की, कोरोना काल में 3 से 2.5 से 3 हज़ार लोगों को खाना बनता था निजी, क्या इस बात में वास्तविकता है? माफ़ी मैं चाहूँगा कि ऐसा व्यक्तिगत पर्सनली प्रश्न आपसे पूछा, क्योंकि लोग एक केला बांटते हैं तो फेसबुक पर फोटो डालते हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा निजी प्रश्न है आपसे पूछा, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है जी, मैं आपको बता दूं कि एकदम से इलेक्शन खत्म होने के बाद एकदम से कोरोना काल COVID-19 शुरू हो गया और हाहाकार मच गया, लोग घरों के अंदर लॉकडाउन हो गए पूरी तरह से। मैंने एक यार्ड तैयार कर किया जिसमें मैंने 4 आदमी हलवाई बैठा दिए, वो डेली आपको 2 से 2.5 हज़ार लोगों को खाना तैयार किया। एक स्पेशल गाड़ी मैंने स्कॉर्पियो इसी काम के लिए लगा दी और 4 आदमी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगा दिए पूरे एरिए में, जहाँ से भी फ़ोन आता है कि खाने की जरूरत है, गाड़ी वहाँ खाना लेके पहुँचती है और पानी लेके पहुँचती है, चाहे वहाँ पर पूरी की जरूरत है, आलू की सब्ज़ी की जरूरत है, चावल की जरूरत है, मैंने बदल के, ये नहीं कि एक चीज़ मैंने बनवाई खाली, हमने पूरी नहीं बनवा दी, रोटी भी चली है, चावल की बिरयानी भी चली है, आलू पूरी भी चली है। देखिए इस इंटरव्यू में 3 बातें सामने निकल कर आई। पहली बात, नवीन चौधरी जी को गांधीनगर की जनता प्यार तो करती है और जब दो टीम मैदान में उतरती है तो एक हारती है एक जीतती है, लेकिन इनका हारने के बाद मनोबल और मजबूत हो गया ये बड़ी अच्छी बात है। अब जनता तय करेगी 2022 में जो MCD का चुनाव है जनता किसे प्यार देती है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा नवीन चौधरी जी जैसे व्यक्तियों की हमारे भारतवर्ष में ज़रूरत है, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ लोग संसद में ऐसे बैठे हैं जिन्हें आज भी अपना नाम लिखना नहीं आता, लेकिन वो देख रहा है। ऐसा क्यों, क्या बदलाव होगा? बदलाव का आगाज हो चुका है, इसका एहसास 2022 का चुनाव MCD में पता चल गया है, जनता जनार्दन का फैसला। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अभी भी सामाजिक दूरी बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें, और तीसरी बात, आज उन्होंने एक वादा किया कि भ्रष्टाचार गांधीनगर से तो मुक्त होगा ही होगा। ओके, जब 2022 में MCD में आम आदमी पार्टी आते के वास्तविकता में गांधीनगर से भ्रष्टाचार मुक्त होता या नहीं होता, अब ये हम आपको बताएंगे चुनाव के बाद। इसी के साथ दूंगा इजाजत, मैं राजन राही सच की रफ्तार। धन्यवाद। आज के खास मेहमान से मिलवाने से पहले हम जनता से बात करते हैं। शिवानी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका पूरा नाम? मेरा मिश्रा खान बाबू। अच्छा बाबू जी, आप भी शायद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या वार्ड अध्यक्ष? मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ, शायद पारा 25 से जी। अच्छा,
मेरी आपसे अभी विदाउट ऑफ कैमरा बात चल रही थी, मैंने आपसे पूछा कि नवीन चौधरी जी उर्फ दीपू जी, जिन्हें प्यार से दीपू जी कहा जाता है, कोरोना काल में लोगों की बहुत मदद की, क्या वास्तविकता है इस बात में? देखिए, यहाँ तक नवीन चौधरी दीपू भाई की बात है, यहाँ दीपू भाई एक बहुत अच्छे पॉलिटिकल इंसान है, बहुत अच्छे राजनीतिक है, वही बहुत अच्छे धार्मिक विचारों के भी हैं, और उसके अलावा सामाजिक विचारों के होते हैं, जो समाज की सेवा करना अच्छी तरीके से जानते हैं और लोगों की सामाजिक सेवा करते हैं। वो कभी ये नहीं देखते कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, अमीर कौन है, गरीब कौन है। उनके दरवाजे पर जो भी आ गया, उन्होंने उसकी बहुत अच्छी मदद की, उनकी बहुत अच्छी खिदमत की और बहुत अच्छी उनकी सेवा की। रही बात कोरोना टाइम के अंदर, मैं समझता हूँ कोरोना टाइम के अंदर जब पहला कोरोना हिंदुस्तान में आया, उसके बाद 2020 के अंदर चुनाव हुए, चुनाव के बाद में जो लोग जीत गए वो खुशियों में मग्न थे, जो हार गए वो गम मना रहे थे। लेकिन दिल्ली के अंदर एक चेहरा ऐसा था, दिल्ली के अंदर एक सूरत ऐसी थी, दिल्ली के अंदर एक शक्ल ऐसी थी, जो न सिर्फ अपने घर में बैठने के बाद लोगों के बीच में आए, लोगों की समस्याएँ सुनी, लोगों की परेशानी सुनी, उन परेशानियों पर अमल करा, उन समस्याओं का हल करा, उसका नाम दीपू जी था। अच्छा, चुनाव हारने के बाद उनका ये एक्टिव बना, क्यों, क्या कारण था? कोई कारण नहीं, उनका शौक था सामाजिक सेवा का, सामाजिक सेवा उनका काम था, घर की खिदमत करना। अच्छा। उनका काम था गरीबों की खिदमत करना। अच्छा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो जीते हारे, लेकिन जो सामाजिक सेवा वो करते रहे, करते रहे और करते रहते हैं वो। अच्छा अच्छा सर, एक बात निकल के सामने हो रहा है कि किसी के घर में अगर विवाह है, वो कन्या विवाह हो या सामूहिक विवाह हो, तो उसमें भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ब्याह की बात है, वो सिर्फ ब्याह तक सीमित नहीं है। अगर कोई शख्स उनके पास में आया कि मुझे आज बिजली के बिल भरना है, मेरे पास पैसे नहीं है, उन्होंने उसके पैसे भी दे दिए, लड़के कन्यादान भी कर दिया, डॉक्टर की हेल्प सब, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बच्चे को पैसे कमाना है, मेरे लिए हॉस्पिटल है, उसके उन्होंने भी पैसे दिए, उस प्रकार से देते हैं वो, चाहे तो डॉक्टर की हेल्प हो, लड़की के ब्याह शादी की हेल्प हो, एजुकेशन की मतलब हो, कोई मसला हो, जो भी निस्वार्थ सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, उनके मन में ये नहीं है ये मुझे कल को मुझे वोट देगा, मेरी पार्टी वोट देगा, उनका मन में सेवा करने का भाव है, वो आज से नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनका पूरा पारिवारिक एक पृष्ठभूमि ऐसी है, ये संस्कार संस्कार उनको ऐसे मिले हैं जो संस्कार के तौर पर लोगों की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, यही बात यह सिर्फ सामाजिक नहीं है, धार्मिक ख्यालात के लोग भी यहाँ पर आते हैं, चाहे मंदिर के लिए घंटा मांगने आए, गुरुद्वारे के लिए मांगे आए, मस्जिद के लिए आए, जिसके लिए भी आते हैं उसके भी वो मदद करते हैं। सर, आपने अपना मूल्यवान समय दिया, क्या सच की रफ्तार के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, दुआ करता हूँ वाहेगुरु से, दुआ करता हूँ खुदा से, दुआ करता हूँ ईश्वर से, कि हर इंसान को दीपू जैसी सोच वाला बना दे, क्योंकि दीपू भाई की सोच ये है कि मेरा पड़ोसी खुश रहे, मेरा पड़ोसी साफ सुथरा रहे, मेरा पड़ोसी ईमानदार हो, मेरा पड़ोसी प्यार से रहे, मेरा पड़ोसी जो है अच्छी तरीके से रहे, क्योंकि वो जानते अच्छी तरीके से कि मेरा पड़ोसी प्यार से रहेगा तो मेरा पड़ोसी मुझे धोखा नहीं देगा जी। और वो एक बात और कहना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ चेहरे के माध्यम से, कि दीपू भाई की सोच जो है वो बड़ी भाईचारे की वाली सोच है, बड़ी प्यार वाली सोच है, बड़ी ईमानदार वाली सोच है, और ये सोच जब चलते हैं इलाके में लेकर, तो लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको अपनाते हैं, मानते हैं। हम दीपू भाई के विचारों से रहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ आपको चैनल देते हैं कि मैंने एक राजनीतिक पार्टी से जीवन शुरू किया था, एक नेशनल पार्टी से, और लगभग लगभग मैंने करीब 35-40 साल कुछ गुजारे, लेकिन दीपू भाई के विचारों से मैं थोड़ा प्रभावित हुआ, केजरीवाल साहब के विचारों से प्रभावित हुआ, तो मुझे पार्टी छोड़कर आज मैं आम आदमी पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ, और दीपू भाई को हाथों मजबूत करने की राजनीति कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जयंत, हम यहाँ बैठे थे मामू जी के साथ, हो सकता है मामू जी इसलिए सारी बातें कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही, उन्होंने कहा कि व्यक्ति पड़ोसियों के बारे में सोचना बंद कर देता है, ऐसे व्यक्तियों की हमारे भारतवर्ष को ज़रूरत है। अब एक नौजवान युवक से बात करेंगे, जो आम आदमी पार्टी की जब शुरुआत हुई थी, उस नौजवान युवक ने उस संस्था से जुड़ा था जिस संस्था का नाम था परिवर्तन संस्था, वो नौजवान युवक हमारे साथ हैं, उससे भी मिलेंगे और पूछेंगे दीपू जी के बारे में उनकी क्या विचारधारा है, और आइए मिलते हैं उस नौजवान युवक से, उसके बाद मैं आपको नवीन चौधरी उर्फ दीपू जी से मुलाकात करूँगा। धन्यवाद। देखिए, मेरा नाम शिव कुमार शिव्बू भाई है और मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, गांधीनगर विधानसभा से, और रघुपुरा वार्ड 27 से संगठन मंत्री जी। अच्छा, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, मुद्दे पे यूँ आता हूँ कि नवीन चौधरी जी उर्फ
दीपू जी, जिसे जनता इतना प्यार करती है, यहाँ की वार्ड की जनता इतना प्यार करती है, कोई भाई कहता है, कोई बच्चा कहता है, कोई अपना बड़ा भाई कहता है, आदर्श तक मानते हैं और लोगों की इतनी मदद करते हैं निस्वार्थ, क्या कारण रहा कि वो जीतते जीतते चुनाव हार गए विधायकी का? देखिए, उसका मुख्य कारण ये था कि हम लोग गिनती देखी जाए तो हारे, 4-5 हज़ार वोट से हारे हैं, तो वो हार मान्य नहीं है, क्योंकि हमारे सामने जो लड़ रहा था एक कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता था, जो गांधीनगर विधानसभा से 2-3 बार मंत्री भी रहा है, उसको हराना एक छोटी बड़ी बात नहीं थी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनके सामने टिक सके और उनके सामने चुनाव लड़ सके और जीत जाए। दीपू चौधरी जी उनके सामने लड़े और उसको तीसरे नंबर पर पहुँचाया। 2015 में हमारे यहाँ विधायक जी थे अनिल वाजपेयी जी, 2017 का जो चुनाव हुआ हमारे निगम पार्षद का, उनके काम को देखते हुए वॉलंटियर और जो जनता थी, टोटल तीनों वार्डों के अंदर 12,000 लमसम वोट मिली। 2019 में वाजपेयी के नेतृत्व में रहते हुए यहाँ पर 7700 वोटें रह गई। जैसे वाजपेयी जी ने पार्टी चेंज करी, दीपू चौधरी जी को पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाकर गांधीनगर में उतारा, वो 7712,000 वोट का आज आंकड़ा 42,044 पर पहुँच गया। ये छोटी बात नहीं है, ये जनता का प्यार था जो 44,000 वोट दीपू चौधरी जी को दी, तो जनता ने कभी दीपू भाई को निराश नहीं करा, 7700 वोटों से ले जाकर 44,000 में बैठा दिया, ये कम नहीं है। अच्छा, मामू जी का कहना है कि चुनाव हारने के बाद भी वो पब्लिक में जाकर लोगों की सेवा कर रहे थे और कोरोना काल में उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं करी, हर व्यक्ति की, वो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा ये कौन है, किस धर्म से है, मेरे वार्ड से है या नहीं है, काफ़ी लोगों के लिए तकरीबन 2-3 हज़ार लोगों के लिए खाना बनता था, क्या इस बात में सच्चाई है? जी बिल्कुल, 2-3 हज़ार लोगों का डेली खाना बनता था और ये खाना जो हर वार्ड के अंदर पूरी विधानसभा, ये सिर्फ मानवता थी या वोट बैंक था? नहीं, सिर्फ मानवता, जो परिवार है वो भी एक निस्वार्थ शुरू से ही सेवा करता आ रहा है दीपू भाई का परिवार जो है, और गांधीनगर से बहुत प्यार है, गांधीनगर की जनता से प्यार है, क्योंकि गांधीनगर जो है दीपू भाई के देखते देखते जीवन काल में प्रॉपर एक बड़ा जो हमारा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, जो एशिया की सबसे बड़ी गांधीनगर मार्केट है, ये दीपू भाई के देखते देखते बनी है, और जितनी भी जनता यहाँ रह रही है ये सब इतना प्यार करते हैं दीपू भाई और दीपू भाई के परिवार को, कि उन्होंने दीपू भाई को 44,000 वोट देकर जो अपना प्यार और समर्थन दिखाया, ये बहुत दिल की गहराई से हम जनता का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं जी। चलिए, ज़्यादा समय आपसे नहीं लेंगे, आपने अपना मूल्यवान समय दिया, क्या सच की रफ्तार के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, कल जो है जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के त्यौहार पर अपना त्यौहार घर पर ही बनाएं, कोरोना काल चल रहा है, अपना दूर रहें, बाजारों में ना जाएं, और जाएं तो प्रॉपर मास्क लगा कर जाएं।